नदी के किनारे आम के पेड़ पर एक बंदर रहता था और रोज मीठे मीठे आम खाता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। हर दोपहर वह नदी किनारे आकर पड़ा रहता था। बंदर आम खाकर गुठलियां नीचे फेंकता था और वह मगरमच्छ को लगती थी। मगर को गुस्सा आ गया और उसने कहा, बंदर भाई, आप अकेले अकेले आम खाते हो और गुठलियां मुझे लगती है, किसी दिन मुझे भी आम खिलाओ ना। बंदर को मगर पर दया आई और उसने मगर को खाने के लिए कुछ आम दिए। इसी तरह बंदर 2-3 दिन तक मगरमच्छ को हर रोज आम देता। मगरमच्छ और बंदर बहुत अच्छे मित्र बन गए। मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए रोज आम लेकर जाता और उसे दे देता था। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, इतने मीठे आम कहाँ से लाते हो? मगरमच्छ ने कहा, नदी के पेड़ पर मेरा दोस्त बंदर रहता है, वह मुझे हर दिन आम देता है। उसकी पत्नी ने कहा, जो बंदर रोज इतने मीठे मीठे आम खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। नहीं, तुम कुछ भी करो, मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरा दोस्त है, वह हमें हर दिन मीठे मीठे आम देता है और उसके एहसान का बदला हम ऐसे चुकाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी हट पकड़ कर बैठ गई और कहा, तुमको मुझसे ज्यादा अपने दोस्त से प्यार है, अगर तुम उसका दिल नहीं लाए तो मैं भूखी रहूंगी और अपनी जान दे दूंगी। उसकी पत्नी के खूब कहने के बाद मगरमच्छ ने बंदर का दिल लाने का वादा कर ही दिया। वह बंदर के पास जाता है और कहता है, बंदर भाई, तुम हमें रोज मीठे मीठे आम खिलाते हो, इसीलिए मेरी पत्नी ने आज तुम्हें हमारे घर पे खाने के लिए न्योता दिया है। इससे बंदर खुश हो जाता है और मगरमच्छ उसे अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता है। नदी के बीचों बीच आए तो मगरमच्छ ने बंदर से कहा, बंदर भाई, बात यह है कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें खाने का झूठा निमंत्रण देकर वहाँ ले जा रहा हूँ। यह सुनकर बंदर बहुत डर गया, लेकिन उसने चालाकी से मगर से कहा, मगरमच्छ भाई, अगर आपने पहले मुझे बताया होता तो मैं अपना दिल अपने साथ ले लेता ना, मैं अपना दिल पेड़ पर रखा आया हूँ। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को वापस किनारे ले गया। किनारा आते ही बंदर पेड़ पर कूद गया और बोला, अरे मूर्ख, दिल भी कभी पेड़ पर रख सकते हैं क्या? ये मेरे शरीर में ही है, तूने मुझे धोखा दिया, आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म, यहाँ से चले जाओ। इस प्रकार बंदर की चतुराई से उसकी जान बच गई। आपदा के समय घबराए नहीं, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लें।